मित्रों, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए अच्छे समय में कभी भी अहंकार नहीं करना, कठिन समय में कभी भी ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि याद रखना मित्रों, दोनों बदलेंगे जरूर। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में। मिथुन राशि वाले लोगों को राहु के राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मिथुन राशि वालों के राहु के राशि परिवर्तन की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, मिथुन राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे, राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करते हैं। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध हैं, और मिथुन राशि के जो जातक हैं स्वभाव से कई बार शक्की देखे जाते हैं, और मिथुन राशि वाले लोगों को निर्णय लेने में कई बार ज़्यादा समय लगता है, और इनको हमेशा जीवन में सीखना और ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछने वाले लोग होते हैं, जिससे कभी कभी लोग इनसे परेशान भी हो जाते हैं। मिथुन राशि वाले मिलनसार होते हैं, दूसरी ओर बहुत ही गंभीर विचारशील हो सकते हैं, और मिथुन राशि के जो जातक हैं इनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें दुनिया को जानने की बड़ी इच्छा रहती है। भाई बहन से मित्रवत व्यवहार इनके देखे जाते हैं और उनके साथ बिताया गया समय इनका कीमती होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां अक्सर मिथुन राशि वालों के लिए संघर्ष पेश करती हैं, लेकिन इसका सामना कैसे करना है वो लोग अच्छे से जानते हैं। उत्साह पूर्ण होते हैं, मजाकिया स्वभाव होता है, बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं और बुद्धिमान तो होते ही हैं, लेकिन कई बार परस्पर विरोधी बातों में चलने वाले भी पाए जाते हैं, और इनको नए नए परिवर्तन करना अच्छा लगता है। धार्मिक दयावान दृढ़ संकल्पी होते हैं, सबके साथ समान व्यवहार बना रहता है इनका, सहनशीलता काफ़ी होती है और प्रत्येक कार्य को विचारपूर्वक करते हैं। और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शारीरिक संबंधों के साथ साथ बातचीत करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है उनके जीवन में। बुद्धिजीवी और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं, और ये लोग थोड़े रहस्यमय स्वभाव के होते हैं। इन्हें पूरी तरह समझना मुश्किल होता है, कब नाराज़ हो जाएं, कब खुश हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत ही रोमांटिक होते हैं, इनकी भाषा शैली तो कमाल की होती है, और हंसमुख और चतुर होते हैं, और अपने कामों को बड़ी कुशलता के साथ पूरा करने वाले लोग होते हैं। मित्रों, राहु जो हैं सदैव बकरी चाल चलते हैं और लगभग डेढ़ वर्ष यानी लगभग 18 महीने के समय के लिए एक राशि में रहते हैं, उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु को शनिवत राहु भी कहा जाता है, क्योंकि ये शनि के समान ही फल देने वाले होते हैं। और यहाँ पर हम राहु का गोचर जो 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है, और फिर ये दोबारा से मई 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे, तो इतने समय के लिए राहु जो है मीन राशि में रहेंगे, और राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में अपना गोचर 30 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ करेंगे और मई 2025 में फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। राहु के बारे में अगर हम बात करें तो राहु जो है व्यक्ति के जीवन में कई बार भ्रम फैलाने का कार्य भी करते हैं, यानी व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को राहु की कृपा मिल जाए तो वे राजनीति और कूटनीति क्षेत्र में भी माहिर बनते हैं। लेकिन राहु जो है ना बहुत जल्दी रूप बदलने वाले होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं, व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकते हैं और तत्काल प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। रातों रात व्यक्ति को अमीर भी बना सकते हैं, लेकिन ये जीवन में झूठी आशाएं और अंधविश्वास भी दे सकते हैं। ये सब बातें आपके जन्म कुंडली में राहु की स्थिति पर निर्भर करती हैं। अगर ये योग कारक ग्रह के साथ में हो तो योग कारक बनकर आपको सफलता देने लगते हैं, यानी अगर अच्छी पोजीशन में हो और दशा अंतर दशा भी अच्छी हो तो परिणाम भी अच्छे ही मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है और दशा अंतर दशा भी अच्छी नहीं है तो ये जातक को व्यसनों की ओर भी ले जा सकते हैं, किसी तरह की बुरी लत भी दे सकते हैं, अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकता है व्यक्ति, जुआ नशा आदि भी कर सकता है। ये सब कुछ इसी स्थिति पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार से के फल देने वाले ग्रह हैं। और राहु जो है तीसरे भाव, छठे भाव, दसवें भाव और ग्यारहवें भाव में आमतौर पर अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को मान सम्मान भी मिलता है अगर राहु आपके तीसरे, छठे, दसवें या ग्यारहवें भाव में हैं। राहु कुंडली के जिस भाव में होते हैं उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि करते हैं, तो अगर वो शुभ फलदायक हैं तो शुभ फलों में बढ़ोतरी करेंगे, और अगर अशुभ हैं तो अशुभ प्रभाव में बढ़ोतरी भी करेंगे। राहु की ये विशेषता है,
और ये जिस ग्रह के साथ कुंडली में स्थित हों, जिस ग्रह का प्रभाव इन पर आ रहा हो, दृष्टि आ रही हो, जिस राशि में हों, उसके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है, किस स्थिति में है, उसी तरह से आपको ये फल देंगे। अगर स्थिति अच्छी है इनकी, यानी अच्छी पोजिशन में है, तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, और अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। राहु का राशि परिवर्तन होगा वो आपके दशम भाव में होगा, यानी कि मीन राशि में होगा। दशम भाव में राहु का गोचर में अच्छे परिणाम देता है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है और आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी है, तो ये राहु आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। दशम भाव में गोचर है, व्यापार कारोबार के लिए बहुत अच्छा गोचर है। व्यापार कारोबार और नौकरी में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और प्रेम संबंधों में भी कोई वाद विवाद अगर अभी तक चल रहे थे तो वहां पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार कारोबार और नौकरी में आप इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि आप अपने कार्यक्षेत्र में सारे कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे, आपके बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे, और अगर व्यापार कारोबार करते हैं तो आप उसे बड़ा कर सकते हैं इस समय पर, और आप विस्तार करते हुए नजर आएंगे, वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार या नौकरी है तो वहां पर ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे, और किसी भी तरह का व्यापार कारोबार और नौकरी आपको अच्छे ही परिणाम देने वाला है राहु के गोचर के दौरान। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, माता के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें, कोई वाद विवाद ना हो इस बात का ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर आपको चलना होगा, पिता के स्वास्थ्य में भी अगर कोई समस्या है तो उसका भी ध्यान रखकर चलना होगा। पारिवारिक जीवन में संबंध मधुर रहेंगे, आपको बस अपने घर के बुजुर्गों के साथ और माता पिता के साथ संबंध मधुर रखने हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो उनमें आराम देखने को मिलेगा। फिर भी स्वास्थ्य के मामले में कभी कोताही ना बरतें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, और कोई समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। शिक्षा के मामले में भी यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। अगर सामान्य विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है, शिक्षा के मामले में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ काफ़ी रोमांटिक समय रहने वाला है, और जीवन साथी अगर आपके कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो आपके जीवन साथी को वहाँ पर कोई ना कोई अचानक ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में भी बेहतर समय रहेगा, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह के व्यर्थ के बहस से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा, वरना वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो राहु के गोचर के दौरान कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और कहना चाहिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है और दशांतर दशा भी अच्छी है तो ये राहु आपको अच्छे परिणाम देंगे मिथुन राशि वालों को। और अगर दशांतर दशा अच्छी नहीं है और राहु अच्छी पोजीशन में जन्म कुंडली में नहीं है तो भी आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे इस गोचर के दौरान, और आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और शादी की बात हो, तो उनके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और उनको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं राहु के गोचर के दौरान मिथुन राशि वालों को। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा कि आप गुरुवार वाले दिन किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करें, या धन का दान करें, या फिर मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें, प्रत्येक गुरुवार को करें, और आप देखेंगे मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मिथुन राशि वाले लोगों के राहु के राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिल सकते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये मिथुन राशि वाले लोगों का राहु के राशि परिवर्तन का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।